अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, किसानों के विरोध से डरे बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने कार्यक्रम किया स्थगित, काली पगड़ी बांध कर पहुंचे किसान। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, नंदगिराम में बोले टिकैत, अब संसद में फसल बेचने की तैयारी में किसान, दिल्ली में फिर दाखिल होंगे ट्रैक्टर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, बिहार में राम सूरत राय के मुद्दे पर सियासत गर्म, विपक्ष ने सदन से राजभवन तक किया मार्च। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, किसानों ने निकाली जेजेपी विधायक की अर्थी, खेल मंत्री का फूका पुतला। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, बंगाल में ममता की चोट और किसानों की हुकार का पड़ सकता है असर, ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिव हुई भाजपा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, सरकार के पक्ष में मतदान करने वाले विधायकों को गांव में घुसने पर रोक। एक और बड़ी अपडेट, नंदगिराम में राकेश टिकैत की बीजेपी को हराने की अपील, कहा किसी को भी वोट दें लेकिन बीजेपी को न दें। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, पेट्रोल एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट रही है सरकार। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में कांग्रेस नहीं टीएमसी का प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन, उराव बोले हम सिर्फ झारखंड में साथ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव में जहां से सीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोका। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आरएलएसपी को जेडीयू में विलय पर गरमाई, बिहार की सियासत आरजेडी ने कुशवाहा पर लगाया गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, बागपत में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, दिल्ली से खाली हाथ न जाए किसान, सरकार न करे बल प्रयोग। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में राम सूरत राय के मुद्दे पर सियासत गरम, विपक्ष ने सदन से राजभवन तक किया मार्च। दरअसल दोस्तों बिहार में मंत्री राम सूरत राय पर लगे आरोप का मसला इन दिनों गरमाया हुआ है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। दोस्तों बता दे आज भी इस मुद्दे पर विधानसभा में हल्ला हुआ, लेकिन बात सदन में जब नहीं बनी तो विपक्ष ने विधानसभा में धरना दिया और फिर राजभवन तक मार्च किया। राजभवन के सामने भी विपक्ष के सदस्य धरने पर बैठ गए, फिर 12 सदस्यों का शिष्टमंडल ने राज्यपाल से भेंट कर अपना पक्ष रखा। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है, जबकि बीजेपी अपने मंत्री के बचाव में मैदान में उतरी हुई है। चलिए अगली खबर, किसानों के विरोध से डरी बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने कार्यक्रम किया स्थगित, काली पगड़ी बांध कर पहुंचे किसान। दरअसल दोस्तों झज्जर गुरुकुल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक बार फिर भाजपा और जेजेपी के नेताओं का विरोध के लिए किसानों ने शनिवार को गुरुकुल के बाहर अपना तंबू गाड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा और जेजेपी के नेताओं को किसानों के विरोध को देखते हुए अपना यहां आने का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। किसानों ने विरोध की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, कार्यक्रम स्थल के थोड़ी ही दूर पर किसानों ने शुक्रवार को ही बकायदा टेंट लगवाने के साथ साथ क्षेत्र में भी किसानों के विरोध के लिए काफी संख्या में जुटाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। चलिए अगली खबर, नंदगिराम में बोले टिकैत, अब संसद में फसल बेचने की तैयारी में किसान, दिल्ली में फिर दाखिल होंगे ट्रैक्टर। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, सभी दल जोरों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस समय वो पश्चिम बंगाल में हैं और वहां के नंदग्राम में उन्होंने कहा है कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें वोट मत करना। राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा है कि हमें बंगाल को बचाना है, अगर आपसे कोई वोट मांगने आता है तो उससे पूछना कि MSP कब मिलेगा, धान की कीमत 1850 रुपए होगी वो कब मिलेगी। गौरतलब है कि राकेश टिकैत नंदग्राम में है, यहां से ममता बनर्जी चुनाव मैदान में उतरी हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं। पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन चाह लेगी किसान संसद में नई मंडी खोल देंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली में एक बार फिर ट्रैक्टर दाखिल होंगे, हमारे पास 25 लाख किसान हैं और 3.5 लाख ट्रैक्टर, हमारा नया मिशन संसद में अपनी पैदावार को बेचना है। चलिए अगली खबर, किसानों ने निकाली जेजेपी विधायक की अर्थी, खेल मंत्री का फूका पुतला।
दरअसल दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन न देने को लेकर शाहबाद मारकुंडा में खेल मंत्री संदीप सिंह व जजपा विधायक रामकरण काला का विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा लगातार जारी है। आज किसानों ने खेल मंत्री संदीप सिंह और जजपा विधायक रामकरण काला का पुतला फूंका। जजपा के शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला की अर्थी निकाल कर किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। चलिए अगली खबर, बंगाल में ममता की चोट और किसानों की हुकार का पड़ सकता है असर, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों हुई भाजपा। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट और किसान नेताओं के राज्य में भाजपा के खिलाफ रैलियां करने का असर पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए भाजपा का संगठन ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हो गया है। परोक्ष रूप से राष्ट्रीय सेवा संघ संघ भी इसकी मदद कर रहा है। दोस्तों बता दें इन दोनों मुद्दों का असर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हो सकता है, इसलिए भाजपा वहां पर जमीनी संवाद और संपर्क बढ़ा रही है। चलिए अगली खबर, सरकार के पक्ष में मतदान करने वाले विधायकों को गांव में घुसने पर रोक। दरअसल दोस्तों धनकट टोल पर किसानों का धरना शनिवार को 78वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता राजकुमार कारखाने की। सर्वसम्मति से किसानों ने फैसला लिया है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में मतदान करने वाले विधायकों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये लोग यदि गांव में किसी कार्यक्रम में आते हैं तो काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। चलिए अगली खबर, पेट्रोल एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट रही है सरकार। दरअसल दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन और गैस की बढ़ती कीमत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कथित बिक्री को लेकर रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। दोस्तों बता दें उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों का फायदा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सरकार को लगातार आलोचना कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से पेट्रोल उत्पादों पर कर लगाकर 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्रित की है। चलिए अगली खबर, बंगाल में कांग्रेस नहीं टीएमसी का प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन। उराव बोले हम सिर्फ झारखंड में साथ। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव का सियासी असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दें बंगाल की सियासत में झारखंड के सियासी दल भी अपने अपने तरीके से गोते लगा रहे हैं। जेएमएम ने पश्चिम बंगाल में न सिर्फ ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान कर दिया है बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए भी जाने वाले हैं। झारखंड के सत्ताधारी दल की सियासत ने विपक्ष के हमलावर होने का मौका दे दिया है। अब वक्त की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हेमंत सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव सफाई दे रहे हैं कि उनका गठबंधन सिर्फ झारखंड के लिए है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। चलिए अगली खबर, आरएलएसपी के जेडीयू में विलय पर गरमाई। बिहार की सियासत, आरजेडी ने कुशवाहा पर लगाया गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप। दरअसल दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का आज आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा करीब 8 साल के बाद जेडीयू में वापस हो गए हैं। उन्होंने जेडीयू से ही अलग होकर रालेसपा का गठन किया था। उपेंद्र और नीतीश को साथ लेकर बिहार के राजनीतिक हलके में जमकर बयानबाजी हो रही है। जेडीयू और भाजपा इसे सौभाग्य और बिहार के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी ने इसे अवसरवाद की पराकाष्ठा बताया है। इधर रजद नेता तेजस्वी यादव के मुताबिक ये पूरा विलय ही फर्जी है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही रालेसपा से बाहर कर दिया गया था और इस पार्टी का विलय रजद में हो चुका है। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव, जहां से सीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोका। दरअसल दोस्तों बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का रविवार को पश्चिम बंगाल के नंदग्राम में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर रास्ता रोका। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सोनाचूरा इलाके में शहीद मीनार के पास शुभेंदु अधिकारी का विरोध किया था। उन्होंने इस दौरान नारेबाजी भी की थी। इस बीच कुछ और टीवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि जहां टीएमसी कार्यकर्ता उनका रास्ता बाधित करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं बीजेपी समर्थक शुभेंदु को वहां से निकालने का प्रयास कर रहे थे। चलिए अगली खबर, बागपत में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, दिल्ली से खाली हाथ न जाएं, किसान सरकार न करे बल प्रयोग। दरअसल दोस्तों बागपत के अमीनगर सराय में रविवार को शीला चंद इंटर कॉलेज में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का पक्ष लिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से किसानों को नाराज न करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से किसान खाली हाथ न जाएं, साथ ही उन पर बल का प्रयोग न हो। राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने ही रोका था। कहा कि सरकार को किसानों के एमएसपी का कानून देना चाहिए, कृषि कानून में किसानों के मुताबिक संशोधन हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिख अपने ऊपर हुए अत्याचार को नहीं भूलता। इसके बारे में प्रधानमंत्री के करीबी को भी बताया कि सिख न डरता है न थकता है, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता है।
अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए।